चार मंजिला मल्टी का पिलर डैमेज हुआ तो बिल्डिंग झूलती हुई नजर आई। मामला ग्वालियर से सामने आया है। भयभीत रहवासी मल्टी के तुरंत बाहर निकले। ये मामला गोल्डन टावर नामक मल्टी का है जिसमें कुल 27 फ्लैट हैं। सभी फ्लैट बिक चुके हैं। नगर निगम और पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा। रहवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मल्टी के समीप निर्माणाधीन एक अन्य मल्टी का भी काम फिलहाल रुका हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से मल्टी के बाहर एक सूचना बोर्ड लगाया गया है। मल्टी का निर्माण मुरार निवासी मोहन बांदिल ने कराया है। प्रथम दृष्टया मल्टी के निर्माण में खामी के चलते डैमेज हुए पिलर की जांच शुरू कर दी गई है। नगर निगम कमिश्नर हर्ष कुमार सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं होने से सीपेज की बात सामने आई है और इसी की वजह से बिल्डिंग में कुछ मूवमेंट हो रहा था। बिल्डिंग में फिलहाल 15 परिवार रहते हैं। सुनिए स्थानीय निवासियों ने क्या कहा और इसके बाद आयुक्त नगर निगम ग्वालियर और CSP नागेंद्र सिकरवार ने क्या कहा। देखिए, ये नेहरू कॉलोनी में एक चार मंजिला बिल्डिंग है। खबर ये आई थी कि इसका जो पिलर है वो किसी तरह से बकल कर गया है और लोड नहीं ले पा रहा है। इसके कारण यहाँ पे तुरंत जितने भी लोग थे, करीब 15 परिवार रहते हैं, उनको खाली कराया गया और फिर इसकी स्ट्रेंथनिंग की जा रही है। अभी प्रायोरिटी यही है कि कोई इसमें जाए ना, और उसके बाद कल से जब इसमें, आज से भी कुछ काम लगा है, लेकिन इसकी प्रॉपर जब स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही लोगों को इसमें एंटर करना चाहिए। सर, इसमें कितना फ्लैट है? अभी तक फ्लैट की संख्या मेरे को 27 कुछ बताई गई थी, वो कंफर्म करके हम लोग कर ले। क्या वजह रही होगी? अब वजह तो अलग अलग रहती है। बहुत दिन से बना, मेंटेनेंस नहीं हुआ, नीचे कुछ लोग बता रहे हैं पानी का सीपेज भी है, लेकिन सब लोग हैं, पुलिस बल हमारे साथ है, अखलात हैं, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो हम लोगों ने कंट्रोल स्थिति फिलहाल सर खाली करा ली गई है। हाँ, फिलहाल पूरी खाली है बिल्डिंग, सब लोग मौजूद हैं, अभी कोई नहीं, सबको इंस्ट्रक्शन दिए, कोई इसमें जाएगा भी नहीं। ये नेहरू कॉलोनी की लास्ट गली है, नेहरू रेजिडेंसी के सामने। क्या घटना हुई? वो उसके पिलर से नीचे से सरक गए हैं, उसमें लोड नहीं ले पा रहे हैं बिल्डिंग का, तो इस वजह से बिल्डिंग एक तरफ झुक गई है। मल्टी का नाम क्या है? गोल्डन टावर। कितनी पुरानी मल्टी होगी ये? लगभग 20 साल मान लीजिए। कितने परिवार रहते हैं? 25 से ऊपर परिवार रहते हैं। तो क्या स्थिति है अभी, उनको रेस्क्यू कर लिया गया बाहर? हाँ, बाहर उनको ताला डलवा दिए हैं बिल्डिंग में। उसके बाद अब देखिए कल क्या कार्रवाई करते हैं, प्रशासन। कोई ठहराव की व्यवस्था? नहीं, अभी हाल फिलहाल तो नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ भी। क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, जो उन्होंने जो कॉलम्स वगैरह बनाए हैं बाहर, ज़्यादा थोड़ा सा लोड वाले जो कॉलम्स हैं उसके बाहर बीम लंबे कर दिए 13-13, 14-14 फुट के, उसकी वजह से प्रोबेबली उसी की वजह से मल्टी में झुका हुआ है। थाना ठाठीपुर क्षेत्र में नेहरू नगर इलाका है, यहाँ पर एक मल्टी है। मल्टी करीब 4 माले की मल्टी है, उसमें एक पिलर उसका डैमेज हो गया है, जिसके कारण अफरा तफरी मची थी। सारी मल्टी में जो 27 फ्लैट हैं उसमें रहने वाले परिजनों को इवैक्यूएट कर लिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है और एडवाइजरी के तौर पर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। परिजनों को बता दिया गया है, नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों को बता दिया गया है और उसका जो ठेकेदार है उनको बता दिया गया है। कंस्ट्रक्शन वर्क चालू करवा रहे हैं और जल्दी ही जो डैमेज है उसको कराएंगे। क्या लगता है सर, क्या वजह रही? विभिन्न कारण बता रहे हैं लोग, चूँकि मल्टी करीब 10-15 साल पुरानी है तो उसके एक तो एज प्रॉब्लम है, कुछ कंस्ट्रक्शन इशूज़ हैं वो इंजीनियरिंग से संबंधित हैं और सीपेज की समस्या ही बताई जा रही है। सर, समय रहते ये जानकारी मिल गई, अन्यथा बड़ा अच्छा हो सकता था। हाँ, चूँकि मल्टी में करीब 27 परिवार निवास कर रहे हैं और मल्टी का साइज बहुत बहुत बड़ा है, हाइट लगभग 60 फीट की है, तो वो रोड के दोनों तरफ के परिवार प्रभावित हो सकते थे। बगल में भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टी, तो दोनों के पास पास होने से बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल सर पुलिस वगैरह तैनात है? हाँ, पुलिस तैनात है, नगर निगम के अधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं और जो भी व्यवस्था है परिवार वालों के लिए, जिनको हटाया गया है उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। सर, क्या विकल्प किया होगा, वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए क्या रही होगी? वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अभी सभी परिवारों को निकाल दिया गया है, उनके लिए रुकने की व्यवस्था, और जब तक मल्टी में जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा नहीं हो जाता और प्रशासन अपनी तरफ से NOC नहीं देता, तब तक के लिए उनके लिए वैकल्पिक रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग।